बच्चों, हम लोग रिवीजन के तौर पर सबसे पहला जो चैप्टर हम लोगों ने सेकंड में पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, रिडक्शन अपचयन। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला करके एक टर्म बना रेडॉक्स, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या हिंदी में इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, मतलब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीकरण होगा तो अपचयन भी होगा। तो ये दोनों भी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकृति में एक साथ होती है, किसी में भी होती, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां पर एक चीज ध्यान देनी होगी, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जैसे कि यहां पर सोडियम है ना, सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसमें त्यागने की प्रक्रिया होती है, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। जहाँ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो त्यागने की जो प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला क्या कहलाता है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, 2, 8, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसमें ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, वो अपचयन या रिडक्शन होता है। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन में परमाणु क्रमांक होता है 17, या इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8, 7 होता है, 2, 8, 7। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लेने की प्रवृत्ति होती है इसमें अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Cl-। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये अपचयन की क्रिया हो रही। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला मतलब त्यागने की प्रक्रिया हो रही तो वो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया हो रही है तो वो अपचयन की क्रिया है। तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन आपको समझना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया हो रही तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया हो रही तो वो अपचयन की प्रक्रिया हो, जैसे यहाँ ऑक्सीकरण और यहाँ पर अपचयन या रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही। अब इसी के बाद जो एक ऑक्सीकरण और अपचयन की एक परंपरागत प्रक्रिया होती है, क्लासिकल, तो उसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है उसको भी आपको समझना है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, किसी से ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का जुड़ना, या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़े या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, और या हाइड्रोजन हटे। ऑक्सीजन और या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना, ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड हो जुड़े या कोई ऋण विद्युतीय तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े, और हाइड्रोजन का हटना या किसी धन विद्युतीय तत्व का हटना, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसका हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो इसको इसका क्या होता है, रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, धन विद्युतीय तत्व का अलग हटना, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन का हटना या किसी धन विद्युतीय तत्व का हटना कहलाता है ऑक्सीडेशन। इन चारों में से चार कंडीशन है, नंबर एक ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना या धन विद्युतीय तत्व का हटना, ये चार कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन होती तो वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। और इसी का उल्टा रिडक्शन होता है, इसी का उल्टा रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, रिडक्शन या अपचयन की प्रक्रिया। तो रिडक्शन या अपचयन में इसी का उल्टा हो, क्या होगा उसमें, हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ जाए या कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाए तो वो कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है ना। और ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाए या धन विद्युतीय तत्व जुड़े तो इसको कहेंगे हम रिडक्शन, या ऑक्सीजन हट जाए या ऋण विद्युतीय तत्व हटे तो रिडक्शन या अपचयन की क्रिया होगी। तो इसमें भी चार प्रक्रिया होंगी, चार कंडीशन, रिडक्शन या अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ जाए या धन विद्युतीय तत्व जुड़े या ऑक्सीजन हट जाए या ऋण विद्युतीय तत्व हट जाए, चारों में से कोई एक कंडीशन है तो वो रिडक्शन या अपचयन की क्रिया होगी। तो इस प्रकार से ये समझना है ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या है और अपचयन की क्रिया, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के। इसमें ध्यान दें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, मतलब कहीं से किसी चीज का त्याग होगा तो दूसरी तरफ कहीं जुड़ेगा, है ना, ऑक्सीजन कहीं से रिमूव होगा तो कहीं जुड़ेगा या हाइड्रोजन कहीं से हटेगा तो कहीं जुड़ेगा। तो दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग नहीं होती, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको एक चैप्टर को नाम दिया गया रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से परंपरागत या क्लासिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन की प्रक्रिया क्या होती है वो आपने देखी। इसी में आगे देखते हैं, यहाँ पर ये समझना है जैसे कि ये कोई एक कंपाउंड है ए, है ना, ए में क्या है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही, कंपाउंड ए लॉस इलेक्ट्रॉन, ये ए से इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग होता है, यहाँ मैंने बताया इलेक्ट्रॉनों का त्याग, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ए जो कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, लॉस इलेक्ट्रॉन, तो ये ए क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, ऑक्सीकृत हो जा रहा है। और जिससे ऑक्सीकृत हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये आपको समझ गया। तो जो जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और इसी प्रकार से जस्ट इसी का उल्टा ये बी है, बी कोई कंपाउंड है तो यहाँ पर क्या है, कंपाउंड गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से हट रहे हैं और ये जुड़ रहे हैं इसमें,
तो कंपाउंड बी गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हट रहा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीडेशन क्या, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है, ये आपको समझना है। यहाँ पर ये भी पूछने को पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन ये और रिडक्शन के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के बेस से आपको इसको ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है, ऑक्सीडेशन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, जैसे मैंने सोडियम में और क्लोरीन में आपको बताया। जो जो भी जहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, वो सभी एलिमेंट्स वहाँ पर जो प्रक्रिया होगी वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहलाएगी। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है और रिडक्शन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए प्रोसेस इन विच एन एटम आर एन आयन लॉस वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इसी के अपोजिट रिडक्शन क्या होगा, ए प्रोसेस इन विच एन आयन एटम या आयन जो होता है गेन्स वन आर मोर इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन की प्रक्रिया क्या होती है। अब इसको रिएक्शन के बेस पर, अभी तो हमने हम लोगों ने समझा इलेक्ट्रॉन के बेस पर परंपरागत क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, है ना, या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीडेशन, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना रिडक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया, ठीक है ना। इसी के पश्चात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रियाओं में, इसमें नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे, रिएक्शन को देखेंगे कि कौन किस अभिक्रिया में किस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया में देखेंगे रिएक्शन में कि किससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, धन विद्युतीय तत्व या ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है ना, ये जुड़ रहे हैं या हट रहे हैं। तो उसके आधार पर समझेंगे कि ऑक्सीडेशन, कोई रिएक्शन लिखा है तो उसमें कैसे पहचानेंगे, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही है, कहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी के पश्चात इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या, कि इसमें दो चीज़ें हैं, इक्वेशन बैलेंस करने की प्रक्रिया इसमें महत्वपूर्ण है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके बाद इसमें समझेंगे। तो पहले रिएक्शन के बेस से नेक्स्ट टर्म पर हमको समझेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, आज हमने इसको समझाया। नेक्स्ट टर्म पर रिएक्शन के बेस से समझेंगे, फिर इक्वेशन बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको समझ करके तैयार करेंगे, रिवीजन के तौर पर हम इसको स्टार्ट किया हमने और आगे भी बढ़ते जाएंगे, जो टॉपिक बढ़ रहा है और रिवीजन में भी हम लोग स्टार्ट कर दिए। धन्यवाद।